तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी आई हुई है सिविल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में। और बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, मास में वैकेंसी आई हुई है, यानी कि लगभग 350 से ज़्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और सिविल को मिलाकर। तो इसके लिए अप्लाई आप लोग जरूर कीजिएगा, अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मैच कर जाती है तो। तो यहाँ पे जो डिजिग्नेशन आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको जूनियर इंजीनियर का, चाहे वो सिविल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, ठीक है। और ये एक आपका परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। और ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए अप्लाई सभी कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी यहाँ पे 45,400 से स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं पूरा प्रोसीजर पढ़ के आपको समझा दूँ, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या है एग्जाम का, सारा चीज पूरा डिटेल में पढ़ के आप लोग को मैं समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए गेट सिविल इंजीनियरिंग के क्लासेस। अगर आप गेट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए है इवॉल्व 2022, और अगर आप गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए है एसएन 2023। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस एक भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस लिए जाएंगे वो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे। यहाँ आपको मिलता है 800+ आवर्स से भी ज्यादा का लेक्चर, जिसमें आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा और आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर किए जाएंगे। आप यहाँ एडुकेटर्स के फ्री डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं और फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसके बाद ही आप पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ का जो कोर्स है वो लेना चाहिए या नहीं। लेकिन ये याद रहे कि गेट एंड एससी सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो जस्ट हाइक होने वाला है, तो इसको जल्द से जल्द आज ही के दिन इसको सब्सक्राइब कर ले, तो आप इसको 10% डिस्काउंट के साथ अभी ले सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जल्द से जल्द अभी ले ले, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें इस कोर्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरा कोड CIVIL को जरूर यूज कीजिएगा। इसको आप जैसे यूज करते हो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है गेटको का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे आना है, गेटको टाइप कीजिएगा तो सबसे ऊपर इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। वैसे मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक सारा प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे देखिए करियर लिखा हुआ है, इसी करियर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि गेटको इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक, यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे हम लोग चलिए क्लिक करते हैं, पहले एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के सामने आ चुका है, मैंने पहले से यहाँ पे नोटिफिकेशन को खोल के यहाँ पे रख लिया है। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ के समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं और जॉब टाइटल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इधर में लिखा हुआ है और सिविल वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपका यहाँ पे बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या बीई अगर आप किए हो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या बीटेक आपने किया है इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आपका फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना चाहिए यहाँ पे 4 साल का, और आपका 7th और 8th सेमेस्टर में मिला के एग्रीगेट आपका 55% होना चाहिए, और कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर पाओगे। वही बात करें सिविल की, तो आपका बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, और 55% मार्क्स आपका चाहिए यहाँ पे 7th और 8th सेमेस्टर में मिला के, और कोई भी बैकलॉग यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो अनरिजर्व वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है, और रिजर्व वालों के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स है, ठीक है। कुछ एज रिलैक्सेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 5 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल कर दिया जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपका फाइनल कर दिया जाएगा 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद आपकी सैलरी यहाँ पे मिनिमम स्टार्ट होगी 45,400 से, ठीक है, अगर आपका 5 साल में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो, ठीक है। अब देखिए
ड्यूरिंग 5 ईयर्स आपको क्या क्या सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। पहले साल आपको 37,000 मिलने वाला है पर मंथ, सेकेंड ईयर आपको 39,000, थर्ड ईयर भी 39,000, फोर्थ और फिफ्थ में भी 39,000 पर मंथ आपको ये सैलरी मिलेगी। जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पे 45,400 से स्टार्ट हो जाने वाली है, ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन पहले 5 साल के दौरान आपको कोई भी अलाउंस एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको मिलेगा TA और DA, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें तो 300 वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और 52 वैकेंसी है यहाँ पे सिविल वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले 1 साल में जो भी वहाँ से रिटायरमेंट या प्रमोशन कुछ भी होता है उसके बेसिस पे ये वैकेंसी और बढ़ाई जाने वाली है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस 500 रहने वाला है अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS से बिलोंग करते हो तो। अगर SC ST वाले कैंडिडेट हैं तो वो 250 रुपीज़ यहाँ पे करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, रिजर्वेशन की जो सिस्टम है वो सिर्फ यहाँ पे गुजरात वालों के लिए ही एलिजिबल है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, लेकिन अभी ऑनलाइन स्टार्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, 18 जून से वो स्टार्ट होने वाला है। तो उसका लिंक आपको 18 जून को यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने का जो डेट है वो आपका 18 जून से ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, वहां से इसको भर पाओगे और उस दिन से आपको 21 डेज का समय मिलेगा उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने का, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर की। तो ये आपका ऑनलाइन मोड से होने वाला है और जो सिलेबस है वो नीचे दिया गया है, मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपका 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन रहने वाले हैं और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपका 100 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक का एक एक नंबर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4, यानी कि 4 आपका रॉन्ग होगा तो एक राइट वाला भी रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। अब चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिकल को कवर यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इसको देख लीजिएगा, मैं सिविल वालों को बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। पहला सेक्शन में आपका GK रहेगा जो कि 10% कवर करेगा। सेकंड सेक्शन में आपका इंग्लिश नॉलेज देखा जाएगा जो कि 10% कवर करेगा। थर्ड सेक्शन में आपका सिविल इंजीनियरिंग रहने वाला है जो कि 60% कवर करेगा। सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, डिजाइन से क्वेश्चन रहेंगे, बिल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, बिल्डिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सुपर एलिवेशन हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग हो गई, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा सिलेबस दिया हुआ है। सेक्शन 4 में बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज की यहाँ पे रखा गया है जो कि 10% कवर करता है। और सेक्शन 5 में यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, यानी कि आपको गुजराती भी यहाँ पे आनी चाहिए तभी जाके आप इसको अप्लाई कर पाओगे, वरना ये 10% में आप कुछ कवर नहीं कर पाओगे। जो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% यहाँ पे मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 45% मार्क्स चाहिए यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी ऑफ ओनली गुजरात स्टेट विल बी कंसिडर्ड। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो सिर्फ गुजरात वालों के लिए ही यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप मैंने यहाँ पे सारा चीज ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर दिया है। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूँ कि वो वेबसाइट पे दिखा देता हूँ जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। जैसे आप वेबसाइट पे आते हो जहाँ से आपने ये नोटिफिकेशन को रीड आउट किया था, वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, द लिंक विल बी अवेलेबल ऑन डेट 18/6/2021। अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे थंब का इंप्रेशन आ रहा है, इस पर चलिए क्लिक करके हम लोग देखते हैं क्या शो कर रहा है। तो ये कुछ भी अभी शो नहीं कर रहा है, डमी अभी ये लिखा हुआ है, ठीक है, डमी ऑप्शन है ये, लेकिन 18/6 को ये एक्टिवेट हो जाएगा तो उसी दिन आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं इस पर और एक बार वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को एक रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा सारी चीज़ का, नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल वेबसाइट का भी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।